Hello guys, a very warm good morning to all of you. This channel is not only Preeti's, this channel is for your loving brother Nitish Kumar. Welcome to Nitish Kumar's classes. Guys, आज जो है एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वो आपका सिलेबस से रिलेटेड नहीं, मॉडल पेपर से रिलेटेड नहीं दोस्तों। एक ऐसा टॉपिक जो आपके पूरा जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक लाइफ है तब तक के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है दोस्तों चिलाईकरण। चिलाईकरण क्या होता है और यह कितना दिन का होता है, कहां पे होता है, और ये चीज जब होता है तो लोगों को क्या हो जाता है, इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चिलई का मतलब यहाँ पे चिल्ली खाने वाला नहीं है दोस्तों, एक नया टॉपिक है, बहुत ही मजा आने वाला है। वीडियो के अंत तक बने हुए रहिएगा, अगर चैनल है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको सीधा नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पे जा सके और किसी भी तरह का आपको ऑब्स्टिकल झेलने को ना पड़े। दोस्तों आपको कोई दोस्त है, कोई भाई बहन है, चाहे आप हो, तो आप लोग के लिए क्लास 10th, 9th, 11th और 12th का मॉडल पेपर कॉमर्स का अपलोड कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ मैथमेटिक्स का भी अपलोड किया गया है क्लास 10 का। आप लोग जो है प्लेलिस्ट में, अर्थात प्लेलिस्ट में नहीं मिले तो वीडियो वाले कॉलम में आप जाके देख सकते हैं दोस्तों। एक और मेरा चैनल चल रहा है नीतीश एक्सप्रेस ब्लॉग चैनल, वहां भी आप विजिट करके एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं, सीधा टॉपिक पे आते हैं। देखिए दोस्तों, टॉपिक का नाम है चिलाईकरण। यहां पे लिख रहे हैं CHILLAI, चिलाईकरण। ये क्या है दोस्तों, इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चिलाईकरण क्या है, देख रहे हैं ना, चिलाईकरण क्या है। तो दोस्तों चिलाईकरण जो है ये चिल्ली नहीं है, खाने वाला चिल्ली की बात नहीं कर रहे हैं यार। दोस्तों कश्मीर में ठंड ऋतु में, जो शीत ऋतु आती है ना ठंड के दिन में, तो वहां पे कश्मीर में इतना ठंडा बढ़ जाता है, इतना ठंडा बढ़ जाता है कि लोगों को जो होता है तबीयत भी खराब हो जाता है दोस्तों, किसी का हार्ट अटैक भी आ जाता है, बहुत सारे लोगों का देहांत भी हो जाता है। तो चिलाईकरण जो है एक जो है ठंडा में, मतलब शीत ऋतु का एक जो है उसका अंश है दोस्तों चिलाईकरण, जो कहां पे होता है दोस्तों, ये होता है आपका कश्मीर में। तो ट्यूजडे को ये स्टार्ट हो गया है। अब चिलाईकरण का आपको मीनिंग समझ में आ गया, क्या एक ठंडा है, एक ठंडा का मौसम का ये क्वालिटी है, ये गुण है दोस्तों जो कश्मीर में आपका पाया जाता है। यह ट्यूजडे को स्टार्ट हो गया है और यह जो है 40 दिन का होता है दोस्तों। कितना दिन का होता है, 40 डेज का होता है, 40 दिन का होता है दोस्तों, 40 दिन तक ये रहेगी दोस्तों, क्योंकि वहां पे लोगों को रहना भी मुश्किल हो जाता है दोस्तों, इतना ठंडा बढ़ जाता है। अब तीसरे क्वेश्चन का आपको जवाब ये है दोस्तों कि अगर ये चीज होता है तो वहां पे क्या होता है दोस्तों। वहां पे इतना ठंडा पड़ जाता है कि नेगेटिव में चला जाता है आपका, माइनस में चला जाता है, -6 डिग्री, -7 डिग्री, -8 डिग्री, 10 डिग्री तक चला जाता है दोस्तों, इतना ठंडा पड़ जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये तीसरे सवाल का आपको जवाब मिला। चौथा सवाल का आंसर ये है कि कहां पे है, तो आप लोग को पहले मैंने बता दिया कश्मीर में। ये कहां पे होता है दोस्तों, कश्मीर में पाया जाता है, ये ठंड जो है कश्मीर में पाया जाता है। तो मैं आप लोग से रिकमेंड करना चाहता हूं दोस्तों कि ठंडा की ऋतु आ चुकी है, चिलाईकरण आ चुकी है, तो आप लोग जो है अपने साथ में हमेशा ग्लव्स जो भी है, मफलर है, स्वेटर है, जो भी है आपने साथ में रखे, कहीं भी जाए बाहर टूर करने के लिए, विजिट करने के लिए, तो आपने साथ में रखे दोस्तों, क्योंकि ठंड गर्मी बरसात किसी को छोड़ता नहीं दोस्तों, इससे कभी मजाक नहीं करना चाहिए। इसलिए अपने साथ में इक्विपमेंट के साथ, औजार के साथ ही कहीं जाए और अच्छा लाइफ अपना बिताए दोस्तों, नहीं तो किसी को छोड़ता नहीं दोस्तों, इतना ठंडा बढ़ जाता है। सोचिए उसी का जो है अंश हम लोग को इधर देखने को मिलता है, अगर वो चीज सोचिएगा वहां पे इस तरह से अगर इधर आ जाए तो क्या होगा, सोचिए इतना खतरनाक होता है चिलाईकरण, जिसमें नेगेटिव भी चला जाता है। तो ये था दोस्तों आप लोग के लिए फ्रूटफुल ज्ञान, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। आपको समझ में आया तो लाइक शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इस तरह से आप लोगों को फ्रूटफुल कंटेंट आप लोगों को मिलती रहती है। तो ठीक है दोस्तों, दोस्तों इसके साथ ही साथ अपने दोस्तों को जरूर बताएं, क्योंकि उन लोग के लिए जो है कॉमर्स का सारा वीडियो जो है मॉडल पेपर क्लास 10th, 11th, 12th का अपलोड कर दिया गया है जैक बोर्ड के लिए, तो पता नहीं तो जरूर बताएं ताकि उनका भी नॉलेज आगे बढ़े। और इसके साथ ही साथ जो मॉडल पेपर में क्वेश्चन दिया हुआ है उसका मैं टॉपिक बाय टॉपिक करके, जो टॉपिक में ज्यादा क्वेश्चन पूछा उस टॉपिक को मैंने चर्चा भी करना स्टार्ट कर दिया हूं, दो वीडियो अपलोड भी कर दिया हूं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो
कल बात करते हैं, ठीक है। इस चैनल से जुड़ने के लिए हृदयपूर्वक धन्यवाद।